अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल हिना कुकिंग रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ, आप सब की दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। आज के वीडियो में एक न्यू रेसिपी आप सब के लिए शेयर करने वाली हूँ, ब्रेड एग रेसिपी। अंडा ब्रेड भी कहते हैं इसे। ब्रेड एग सैंडविच में वेजिटेबल्स भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे यह रेसिपी बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बन जाती है। चलिए मैं आप सबको बताती हूँ यह रेसिपी बनाने का तरीक़ा। हमें बनाने के लिए ब्रेड एग सैंडविच एग चाहिए। 3 एग मैंने यहाँ पर लिया है। 1 टमाटर छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लीजिए। थोड़ा सा हरा धनिया कोथमीर कट कर लीजिए। 1 शिमला मिर्च मैंने यहाँ पर छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर ली है। 1 गाजर चाहिए। 1 प्याज मैंने ऑमलेट कट कर लिया है छोटे छोटे क्यूब्स में। और 1 हरी मिर्ची मैंने यहाँ पर वाइट ब्रेड यूज़ किया है, आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रेड एग रेसिपी बनाने के लिए हमें इन सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए, काली मिर्ची और नमक। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एग को काट लीजिए। एक बॉल लेके मैंने यहाँ पर 3 एग फोड़ लिए है। अब इसे अच्छे से बीट कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और से वीडियो से आप जाके मेरे चैनल पे ज़रूर देखिए। आप देख सकते हैं अब हमारा अंडा अच्छे से बीट हो गया। अब इसे ऐड कर लीजिए काली मिर्ची पाउडर। अगर आप तेज़ खाना चाहें तो और इसमें रेड चिल्ली पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर नमक इस्तेमाल किया है। इन सबको मिला के अच्छे से फेंट लीजिए आप, ताकि अपना अंडा अच्छे से मिक्स हो जाए। पहले हरी मिर्ची मैंने ऐड किया है यहाँ पर। फिर हमने जो वेजिटेबल्स काट के रखा था वो उसमें मिला लीजिए 1 बाय 1 करके। पहले मैंने शिमला मिर्ची मिलाया है, फिर गाजर, फिर प्याज मिला लीजिए अच्छे से। 10 मिनट्स में आपका ये ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीक़ा है ब्रेड एग सैंडविच बनाने का। अंडे फोड़ के पूरे वेजिटेबल्स कट करके आप अच्छे से इसमें मिला लीजिए। आप देख सकते हैं मैंने पूरे इंग्रेडिएंट्स मिला के अच्छे से इसमें मैश कर लीजिए, अंडा अच्छे से मिक्स हो जाए, ताकि अपने बैटर में अपना बैटर रेडी हो गया है। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर करना मत भूलिए। आखिरी में मैंने यहाँ पर कोथमीर ऐड किया है। मैंने यहाँ पर कम स्पाइसेस इस्तेमाल किया है सैंडविच बनाने के लिए। अगर आप चाहे तो इसमें और से स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं, लाइक लाल मिर्ची, धनिया पाउडर। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। गैस ऑन करके अब मैंने यहाँ पर तवा इस्तेमाल कर रही हूँ। बटर डाल के इसे अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए, ताकि अपना ब्रेड इसे चिपक ना पाए। और बटर लगाने से अपने ब्रेड क्रिस्पी होता है। सैंडविच बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 स्लाइस ब्रेड इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पैन में भी बना सकते हैं आप। जो हमने बैटर बनाया था अब हम इसे ब्रेड के ऊपर डाल देंगे इसी तरह से। बस इसी तरह अच्छे से डाल देना है, पूरा अच्छे से स्प्रेड कर देना है इसे डाल के। ब्रेड और एग के साथ बहुत से रेसिपी बनते हैं, मैं आप सब के लिए वो शेयर ज़रूर करूँगी आगे वीडियो बना के। आप इसे अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए अपने ब्रेड को। बस इसे धीमी आंच पे ही पकाइए, ताकि अपना अंडा जल ना पाए। अब देख सकते हैं अच्छे से स्प्रेड हो गया है। बहुत ही डिलीशियस दिख रही है ये रेसिपी, खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप इसे अच्छे से ऐसे पलटा के देख लीजिए, अपना एग रेडी हो गया है।
जैसे ही 2 से 3 मिनट होते हैं आप इसे निकालने से पहले, पलटाने से पहले, इसे पहले हल्के हल्के हाथों से ऐसे कर लीजिए ताकि अपने अंडा और पलटाने पर निकल आसानी से निकल जाए। ये स्टेप करने से पहले आप अपने गैस को बंद कर दीजिए, फिर एक प्लेट रख के आप इसे अच्छे से हल्के हाथ से ऐसे पलटा लीजिए। आप देख सकते हैं ब्रेड बहुत अच्छी हो गया है रेडी, स्लाइटली ब्राउन हो गया है। जैसे ही ये होता है फिर अपन सेकेंड स्टेप की तरह जाते हैं, गैस को ऑन करके आप इसी तरह हल्के हल्के हाथों से ऐसे फिर से पैन में डाल दीजिए, तवे पे डाल के फिर से आप स्लो फ्लेम पे ही इसे ऐसे दबाते हुए थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए ताकि अपना नेक्स्ट साइड भी अंडे का हो जाए। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे ज़रूर फॉलो करिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा वीडियो ये ज़रूर पसंद आएगा। अपना ब्रेड एग सैंडविच रेडी हो गया है, गैस को ऑफ करके आप फिर से इसे ऐसे ही पलटा लीजिए, अपनी प्लेट में सर्व करते हैं। अगर आपको इस तरीके से पलटाने नहीं आया तो आप तवे पे रख के ही ऐसे कट कर सकते हैं, फिर आप अच्छे से स्लाइटली निकाल ले सकते हैं प्लेट में। चलिए मैं आपको कट करके बताती हूँ। इसी तरह आप चारों तरफ से कट कर लीजिए। आप साग पूरी भी देख सकते हैं, मैंने आई बटन में उसका डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया है। ब्रेड एग सैंडविच अपना रेडी हो गया है, इसे अच्छी तरह से ऐसे कट कर लीजिए। ब्रेड एग सैंडविच को आप केचप के साथ भी खा सकते हैं, मेयोनीज के साथ भी खा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।